मॉर्निंग चिल्ड्रन, जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल शिक्षण पे बच्चों मैं आज आपको बच्चों ये देखें कि जो आपका यूट्यूब है आप उसपे नौ शिक्षण टाइप करेंगे तो ये चीजें आ जाती हैं आपके स्टेट। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है इस पे क्लिक करते ही, क्योंकि कुछ चीजें बच्चों आज इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाकर बताना चाह रहा हूँ। तो आप चले जाएंगे देखिए प्लेलिस्ट पे, ठीक है, और जो लाइव वीडियोस डले रहते हैं कुछ बच्चे देख लेते हैं, बोलते हैं सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, तो देखिए लेटेस्ट वीडियोस यहाँ पर रहते हैं। इस तरह से आप स्क्रॉल करके जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं प्लेलिस्ट में, ये देखिए प्लेलिस्ट है, इसमें हम लोग जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में जैसे हम जाएंगे तो देखिए PMSSB की एक मैंने अभी नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी 10 वीडियोस हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं कि टॉप स्कूल क्या है, फिर स्टेट वाइज सीट्स कितनी हैं, ठीक है, और PMSSB का मोबाइल से आप कैसे भरें, सिलेबस क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, अपने नाम का स्कूल कैसे खोजें आसानी से, कैसे अप्लाई करें, तैयारी कैसे करें। अब ये देखिए साइंस का ओरिजिनल पेपर मैंने सॉल्व करके यहाँ पर बताया हुआ है, साथ ही साथ कुछ मॉडल पेपर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम बैक जाते हैं, इसके साथ ही बच्चों ये देखिए PMSSB का नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे तो 133 वीडियोस हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही डिटेल में कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो बहुत ही डिटेल में मैंने साइंस के कुछ चैप्टर्स, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं और देखिए भूगोल ज्योग्राफी के हैं। इस तरह से कट ऑफ मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ यहाँ बताई हुई है, उससे एक आपको आइडिया लगेगा। और ये देखिए ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, ये साइंस के देखिए कुछ टॉपिक्स फिर से मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो ये जितने भी वीडियोस हैं बच्चों, जिन भी बच्चों ने देखा है उनको बहुत ही फायदा हुआ है श्रेष्ठा में, क्योंकि आपको पता ना चाहिए कि श्रेष्ठा और ये PMSSB दोनों के पेपर जो हैं वो NTA ही सेट करता है और पैटर्न बच्चों सेम है। ओरिजिनल पेपर दिखाया हुआ है मैंने, पिछला वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, इस बार आपका OMR सभी बच्चों का होने जा रहा है, ठीक है। अब आज का जो मैं बताना चाह रहा था आपको, तो आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं कि कैसे हम मतलब अगर आपका सर्टिफिकेट किसी वजह से नहीं तैयार हो पा रहा है या कुछ दिक्कत है तो हम बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको समझें बच्चों, ये देखिए ये है आपकी yetnta.ac.in। अगर आप yetnta भी टाइप करेंगे तब भी जो साइट खुलेगी इसको क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके पहले बच्चों बताना चाहूँगा कि मैंने कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर ग्रुप फुल हो गया है, तो आप सबके लिए बताना चाहूँगा कि मैंने थर्ड ग्रुप भी तैयार कर दिया है PMSSB के लिए। तो आप लोग एक ही ग्रुप में जुड़िएगा, सभी ग्रुप में मत जुड़िएगा, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अपने जो आपके दोस्त हैं जिनको जानकारी नहीं है उनको जरूर ये व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि वो सब भी देखते हैं कि ये तो ग्रुप फुल है कैसे ज्वाइन करें। तो बराबर अभी भी आप लोग व्हाट्सएप पर कर रहे हैं बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पर कमेंट कीजिए। तो मैं यूट्यूब पर ही बच्चों ने कमेंट किया कि सर ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, तो फिर मैंने एक नया ग्रुप बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इस साथ ही साथ जिन बच्चों को अगर किताब चाहिए होगी वो क्लास 9th के लिए अभी केवल अवेलेबल है हिंदी में, ठीक है। तो इंग्लिश वाली अभी बच्चों थोड़ा सा टाइम है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। अब आइए आज के टॉपिक पे आते हैं कि अगर किसी वजह से सर्टिफिकेट आपका नहीं बन पा रहा है तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन, पहले कैंडिडेट रजिस्टर हियर चले जाइएगा। इसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात की जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हिंदी वाले हिंदी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और अंग्रेजी वाले यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो मैं हिंदी वाला एक अलग से डाउनलोड कर लेता हूँ दिखाने के लिए। तो ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है तो मैं डाउनलोड कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। फिर हम देखिए जो PDF खुली है उसी के नीचे में जाएंगे हम लोग, ठीक है। पेज नंबर मेरे ख्याल से 46 के आसपास है तो हम तेज़ी से चले जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ ये देखिए ये अच्छे, इसमें भी लेकिन अंग्रेजी में ही दिया हुआ है, मैंने इंग्लिश वाला ही देखा था, ठीक है। अब आपको देखिए क्या करना है, इसी का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ऐसे आप खुद से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर फिर से हम जाएँ 46, ये देखिए ये जो फॉर्म्स हैं, अगर किन्हीं को फिजिकल डिसेबिलिटी है PWD हैं तो उनको ये फॉर्म भरना है। अगर उनको किसी की सहायता से अपना गोला भरवाना है, अगर उनके हाथ में दिक्कत है या आँखों में दिक्कत है तो वो यहाँ ये वाला फॉर्म भी साथ में भरेंगे, ठीक है। तो उनके लिए दो तीन फॉर्म, ये वाला भी है ये वाला भी है, ठीक है। अब आइए जो अन्य बच्चे हैं, तो अगर किसी वजह से
आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, कई बच्चे बोल रहे थे EWS वाला, ठीक है, और कई बच्चे बोल रहे थे OBC वाला भी, कई बच्चे ST के लिए भी किए थे मैसेज, किसी वजह से आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर है क्या, ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। इसमें देखिए आपका यहाँ पर एप्लीकेंट नेम है, यहाँ पर पता लिख दीजिएगा, और एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ डाल दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, और ईमेल आईडी और फोटो आपकी देखिए यहाँ लगेगी, ठीक है। ये लिखा है सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑन टाइम, क्योंकि मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट समय पर नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, ठीक है। आई मे काइंडली बी अलाउड टू राइट SSV एंट्रेंस टेस्ट 2023 प्रोविजनली, तो मुझे कृपया अलाउ किया जाए जो SSV एंट्रेंस टेस्ट है उसमें प्रतिभाग करने के लिए, मतलब उसमें भाग में ले सकूं। आई हियर बाई डिक्लेयर डेट आई विल फर्निस अप्रोप्रिएट कैटेगरी सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। इसमें है कि मैं वादा करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जब छात्रवृत्ति लेने की टाइम आएगा, तो मैं अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। तो बच्चों क्योंकि देखिए 30,000 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और कंपटीशन इस बार बच्चों इसमें पिछली बार तो 35% पे ही सिलेक्शन हो गया था, मतलब 100 में से अगर आपके 35 सही हैं तो सिलेक्शन हो गया था। इस बार थोड़ा सा टफ होगा मुझे लग रहा है, 60 के नीचे या 50 के नीचे नहीं आने वाली है कट ऑफ, ठीक है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। फिर है कि आई अंडरस्टैंड द इनएबिलिटी टू अपलोड द सेम बाय द गिवन टाइम एंड टाइम विथ लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ माय कैंडिडेचर एंड बेनिफिट अंडर द ऐसे। मैं समझता हूँ अगर मैं सही समय पे उसको अपलोड नहीं करूँगा तो मेरा जो ये अभ्यर्थन है मैं इसको अप्लाई किया हूँ उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको एक मौका, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक मौका ऑनलाइन आपको मिलेगा इस सर्टिफिकेट को अपलोड करने का। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ फादर मदर किसी का भी आप करा सकते हैं, यहाँ आपके साइन होंगे, यहाँ डेट मतलब जब पापा मम्मी ने किस डेट में साइन किया, ये बस इसको आपको सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में, जो मैंने आपको बताया हुआ कि मोबाइल से कैसे ये भरें, फॉर्म भरें, तो उसमें सर्टिफिकेट की जगह आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के फ़ोटो खींच के जैसे मैंने तरीका बताया वैसे करना है। और यही चीज़ देखिए कई बच्चे पूछ रहे थे कि पापा का बनेगा, मम्मी का बनेगा, इनकम आय प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी फ़ोटो लगेगी, यहाँ नाम, पता, अप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल। फिर ये भी है देखिए सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द इनकम सर्टिफिकेट ऑन टाइम आई मे काइंडली बी अलाउड टू राइट SSV एंट्रेंस टेस्ट 2023 प्रोविजनली। आई हियर डिक्लेयर डेट आई विल फर्निस अप्रोप्रिएट इनकम सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। आई अंडरस्टैंड द इनएबिलिटी टू अपलोड द सेम बाय द गिवन डेट एंड टाइम विल लेड टू कैंसिलेशन ऑफ माई कैंडिडेचर एंड बेनिफिट अंडर द SSV स्कीम। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लैंग्वेज लिखी हुई है, बस ये है कि यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ नाम डाल दिया, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं। तो यहाँ पिताजी माता का किसी का साइन, उनका डेट जब साइन किया उन्होंने, और ये सिग्नेचर, ये आपका। बस ये देखिए दो चीज़ें जो हैं आपको अपलोड करनी है, ये दोनों चीज़ें आपका हो गया। तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये बच्चों कि देखिए काफ़ी बार मैं बताता भी हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ श्रेष्ठा में भी मैं बार बार कहता था, देखिए उसमें जो शरीर संजना बांदे जो छत्तीसगढ़ राज्य की फिफ्थ टॉपर है, पूरे इंडिया की फिफ्थ टॉपर है और छत्तीसगढ़ राज्य की टॉपर है, उसके आप कमेंट अभी भी देख सकते हो, श्रेष्ठा के वीडियोस या PM SSV के भी मैंने बनाए, क्योंकि दोनों का सेम है वीडियो, ठीक है। तो वो हर एक उसमें पार्टिसिपेट करती थी, कुछ अभी मैंने SSV का जैसे वीडियो बनाया है, NMMS वाला भी, तो कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आंसर्स देना स्टार्ट किए हैं। और बच्चों देखिए जो बच्चे रेगुलर लगे रहेंगे वो कन्फर्म है कि ऑल इंडिया टॉप पढ़ने वाले हैं, ये मैं कन्फर्म बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे लगे हुए थे उन्होंने वाकई इस एग्ज़ाम को निकाला, एक एक चीज़ को नोट डाउन किया, तो उनको इसका फ़ायदा मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप बस जम के तैयारी कीजिए, चाहे NMMS का वीडियो हो, चाहे PM SSV का हो, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं ये सब बच्चों क्लास 8th के ही लेवल का है, ठीक है। और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स के वीडियोस आप जरूर देखिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। अगर आपको हार्ड लग रहे हो तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो मैंने मैथ्स के फाउंडेशनल वीडियोस बनाए हैं उनको देख लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम भिन्न के सवाल को कैसे हल कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ कैसे कर रहे हैं, तो इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बच्चों अगर कुछ भी हो आप प्लीज़ यूट्यूब पर लिखिएगा, ठीक है, थैंक यू।